The world runs on code. Every text you see, every website you visit, every screen you swipe, it's all driven by code. College attendance and GPA are not enough anymore. So, what if instead of just depending on old college curriculum, you could build real life websites? What if you could create the next world changing product? Learn to develop full stack Zoom. Do you know how Zerodha and stock exchanges work? Learn to make it end to end. Can you make something cool like GitHub? Make your own GitHub. And who doesn't love traveling? So let's make our own Airbnb and my favorite of all our own version of ChatGPT. All this can make you overwhelmed, but who doesn't like challenges? Don't worry, we've got you back with our extensive doubt support team and refined curriculum. The world needs great developers. That's the future of coders and it's about to change everything. It's time to unleash the power of software development to everyone. Launching the new Delta ये वाला हिस्सा हमने अभी रिकॉर्ड करा है लास्ट में और हमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक अभी डेल्टा फोर की वेबसाइट पे जाने वाला है देर इज़ ऑल्सो पॉसिबल चांस कि वेबसाइट आज क्रैश हो जाए आप लोगों से तो वी हैव प्रोवाइडेड टू सॉल्यूशंस एक होगा आप वेबसाइट पे जाएं मोस्ट प्रोबेबली इट विल वर्क सेकेंड है अगर वो नहीं होता जैसे एक बार एल्फा के केस में हुआ था हैवी ट्रैफिक की वजह से तो उस पर्टिकुलर केस में आप जा सकते हैं और सीधा आपको डायरेक्ट पेमेंट लिंक हम आपको दे रहे होंगे जो फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यार हम बर्ड ऑफर अप्लाई कर रहे होंगे तो जो बच्चा सीरियस है वो जल्दी आ जाए तो हम अपना मैक्स एफर्ट डाल रहे हैं जिससे बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज हैं वो आपको दे पाए ठीक है आप जाओगे तो अभी हमने उस चीज़ को ठीक कर दिया डेट्स वाई वी हैव गिवन यू टू लिंक्स और वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ हैवी ट्रैफिक सो तब तक के लिए सी यू इन क्लास और बचा हुआ सारी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर अभी मिल रही होंगी सो हाई एवरी वन वेलकम टू अपना कॉलेज एंड टूडे वॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू ऑल तो आज की जो स्पेशल अनाउंसमेंट है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपको एच टी एम एल सी एस एस स्क्रिप्ट आता है पर आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे वेबसाइट्स एंड टू एंड बनती हैं और उसके बाद डिप्लॉय होती हैं साथ में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है और उसका गोल यह है कि जितने भी हमारे जो बड़िंग स्टार्टअप्स हैं उनको मैं टारगेट कर पाऊँ डेवलपमेंट के माध्यम से या फिर आप एक ऐसे बच्चे हो कि यार मेरे को डीएसए तो आता है या फिर मैं डीएसए तो सीख रहा हूँ पर साथ में आजकल मार्केट में जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है उधर भी मैं अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूं और अपने रेज्यूमे के अंदर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को एड ऑन करना चाहता हूं जिससे मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिले और मैं ज्यादा क्वालिफाइड भी दिखूं तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं डेल्टा फोर और ये डेल्टा फोर और थोड़ा बड़ा हो गया है साइज में और थोड़ा स्पेशल हो गया है इसके अंदर जो एडिशनल चीज आ रही होंगी उस पर आने से पहले हम बताते हैं इसमें हम शुरुआत कैसे कर रहे होंगे फॉर द फर्स्ट फोर एंड अ हाफ मंथ्स विल फर्स्ट कवर द कोर कॉन्सेप्ट्स कोर कॉन्सेप्ट्स का मतलब यहां पे यह है कि यार हम मर्न स्टैक को कवर कर रहे होंगे जिसमें शुरुआत में हम फ्रंट एंड करेंगे बाद में हम बैक एंड एंड डेटा बेसिस कर रहे होंगे और इसमें काफी सारे हमने माइनर प्रोजेक्ट्स पूरी टाइम के दौरान रखे हैं मतलब जब आप शुरुआत में सी एस वगैरह सीखेंगे तो उस दौरान आपके छोटे प्रोजेक्ट्स आएंगे जैसे कि हमने स्पोटीफाई का फ्रंट एंड वगैरह बना लिया या हमने टू डो लिस्ट बना ली या हमने साइमन सेज गेम वगैरह जैसे बना लिए आपके नेविगेशन के बार वगैरह बना लिए फिर

कई सारे बच्चे हैं जो सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड से तैयारी कर रहे होते हैं देखो यार वैसे वेब डेवलपमेंट की जर्नी एक ऐसी है जहाँ पे आपको पाँच से छः महीने लग जाते हैं तो मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ ये कुछ वैसा बैच नहीं है जहाँ पे हफ्ते में आपकी एक दो क्लास लेके आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा होगा यहाँ पे भगाएंगे नहीं यार क्योंकि शुरुआत में कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टाइम देना थोड़ा जरूरी है तो आपकी क्लासेस जो लेक्चर्स होंगे वो अल्टरनेट डेज के ऊपर आ रहे होंगे राइट और साथ में आपके कोई भी जो डाउट होता है यूँ एकदम डरना नहीं है कि प्रोजेक्ट्स थोड़े बड़े हैं कैसे होगा पहले कोर फंडामेंटल्स के साथ साथ आपकी पूरी एक बड़ी टीम है जो कि डाउट सपोर्ट में हमें हेल्प करती है तो डाउट्स रिगार्डिंग जो भी होंगे इंडिविजुअल आप उनसे वहाँ पे वन ऑन वन करके पूछ पाओगे तो जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो इस वेब डेवलपमेंट जर्नी के अंदर श्रद्धा माम के साथ पढ़ना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए आप लोगों के लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर रखा है जिससे कि हर एक बच्चा उस चीज़ को अच्छे से अफोर्ड कर पाए तो अब यार थोड़ा श्रद्धा मैम को भी मौका दे देते हैं बोलने का और वो आपको बता रही होंगी कि क्या क्या चीज़ें टेक्नोलॉजीज में हम पढ़ रहे होंगे क्या कौन सा प्रोजेक्ट हम पहले कर रहे होंगे राइट तो ये आप थोड़ा इसके ऊपर लाइट डाल दो सो इन टर्म्स ऑफ सिलेबस हमारे फ्रंट एंड के अंदर एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट तो हो ही गया हमारे जो सी एस एस के फ्रेमवर्क होते हैं बूट स्ट्राप एंड टेलवेंड उन दोनों को हम कवर करेंगे साथ के साथ रियक्ट को हम कवर कर रहे होंगे सप्लीमेंट में हम रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट तक जा रहे होंगे फंक्शनल कॉम्पोनेट्स कैसे काम करते हैं हमारी स्टेट एंड प्रॉप्स का मतलब क्या होता है हम फंक्शंस को कैसे प्रॉप्स की तरह पास कर सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट uh, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कवर करेंगे उसके बाद बैक एंड की टर्म्स में अगर बात करें एक्सप्रेस एंड नोट जेस को कंप्लीटली कवर कर रहे होंगे हम दोनों डेटा बेसिस को कवर करेंगे एसट्यूएल मोन्गो डीबी बट क्योंकि हम मोर्न स्टाक सीख रहे हैं हमारा मेन फोकस मोंगो डीबी पे रहेगा एसक्यूएल को हम सीखेंगे बट उसको इतना ही सीखेंगे कि एक्सप्रेस के साथ हम कैसे अपने एसक्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं बाकी जो हमारा फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर हम मोंगो डीबी को ही एज अ डेटा यूज कर रहे होंगे हमारे जो एडिशनल कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे एम आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है या फिर वैलडेशन कैसे काम करती है एरर हैंडलिंग कैसे काम करती है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं इन सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं और फाइनली जो हमारा डिप्लॉयमेंट होगा डिप्लॉयमेंट हम रेंडर को यूज करके कर रहे होंगे ये हो गया हमारा मॉन्सटैक जिसको हम अपने बैच के अंदर कवर करेंगे उसके बाद स्टार्ट होगी हमारी सेल्फ लर्निंग विच विल बी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो बैच के कंप्लीशन के बाद आप अपने पेस के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें हमारे लेवल वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे जिनकी अभी हमने बात की जैसे जूम हो गया जैसे जिरोदा हो गया जैसे दूसरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो गए अब इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम एडिशनल चीजें सीखेंगे जैसे डिप्लॉयमेंट हमने रेंडर के साथ तो देख ही लिया पर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम एडिशनल एडब्लू डिप्लॉयमेंट को कवर करेंगे विच जनरली डन इन कंपनीज या तो एडम एडब्ल्यू से या एजोर पे या किसी और क्लाउड सर्विस पे तो ये कॉन्सेप्ट भी जरूरी होते हैं ताकि रियल लाइफ प्रैक्टिकली डेवलपमेंट के अंदर जाके डिप्लॉयमेंट की टर्म्स में, में क्या काम करना होता है वो समझ में आए एंड साथ के साथ जो हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी एट द एंड ऑफ द बैच यूजिंग प्रोजेक्ट्स तो उसके अंदर हम और मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते करते हम सीख पाएंगे इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल हमने पूरा का पूरा अपना मॉन्स सीख लिया और उसके बाद हमने उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना लिया अब इस बार हम क्या करना चाहते हैं आपके थोड़े से एक बार कोर फंडामेंटल्स बनाने के बाद कि अब हम लेवल अप कर पाएं तो जैसे अगर आपको यह जानना है कि भाई जैसे जूम प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो उसके अंदर वेब सॉकेट्स वेब आर दोनों इस्तेमाल होंगी तो वहाँ पर आपको पहले थोड़ा पूरा प्रोजेक्ट्स होगा यार आप साथ में बैठ के सात आठ घंटे बैठ के उस प्रोजेक्ट को बनाओगे पूरे वीडियो के फॉर्मेट में अगर आप फॉर्मेट पूछ रहे हो तो पर साथ में हम वहां पे आपको पुश करेंगे कि यार हमने जो सीख रखा है ना अब इसके ऊपर हमें वेब सॉकेट्स वेब आर जूम के अंदर अप्लाई करते करते सीखना है क्या चीज समझ में आ गई इसके बाद फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एडब्ल्यू एस डिप्लॉयमेंट सिखाएंगे बेस स्ट्रॉंग कर लिया कोर फंडामेंटल्स अपने अच्छे से बना लिए उसको यूज करके एक वन प्रोजेक्ट बना लिया उसके बाद हर एक टेक्नोलॉजी के साथ आप अपनी पेस के ऊपर सीख पाओगे तो हर स्टूडेंट यार अपने आप में यूनिक है तो प्रोजेक्ट करने के बाद आपकी इच्छा है कि मैं पांचों प्रोजेक्ट करना चाहता हूं तो आप पाँचों कर लेना आपको पांचों के पांचों कंप्लीट कंप्लीट कराए जाएंगे जिनमें से कुछ आपको श्रद्धा मैम करा रही होंगी कुछ आपको बाकी अच्छे इंस्ट्रक्टर्स मिलकर करा रहे होंगे कंप्लीट एंड टू एंड बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग के साथ आपको वो मिल रहे हैं साथ में किसी बच्चे का है कि यार मैं सिर्फ तीन ही प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ अभी मैं सिर्फ एयरबी एन करना चाहता हूँ अभी मैं सिर्फ जूम करना चाहता हूँ अभी मैं सिर्फ गेटअप तक जाना चाहता हूँ मैं और ऊपर नहीं जाना चाहता तो वो बच्चा वहां तक कर सकता है किसी बच्चे को नहीं मेरे को जिरोदा करना है और मेरे को ये करना है तो वो बच्चा उस हिसाब से कर सकता है तो द गोल इज कि आपके कोर फंडामेंटल्स के साथ साथ फिर रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ हम अपना लेवलअप कर रहे हो इससे आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी आपकी एप्लीकेशन भी बढ़ेगी और कुछ चीजों में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो है जो कोई भी जो आपको इवेंचुअली आप जब कंपनीज के अंदर जाएंगे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी काफी सारे इश्यूज़ आएंगे काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज आपको पता ही होंगी अगर पिछले पांच साल में भी देखोगे कितनी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं तो एक लर्निंग एटीट्यूड आपका हमेशा होना चाहिए और इस पूरी मॉड्यूल के साथ हमने यही कोशिश करी है कि आपका एक्सपोजर किस प्रकार से हम बढ़ा पाएँ साथ में आपका लर्निंग एटीट्यूड है वो भी अच्छे से इंक्रीज़ हो पाए इन शॉर्ट अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है मौन सीखना है प्लेसमेंट की तैयारी करनी है सो वी हैव ट्राइड आर बेस्ट टू मेक समथिंग विच हेल्प्स यू द बेस्ट इन दिस जर्नी पर वही बच्चा है जो सीरियस है हमें सिर्फ सीरियस स्टूडेंट चाहिए जो दिन के तीन से चार घंटे साथ में मेहनत कर सके राइट right? इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं सी यू इन द क्लास क्लासेज विल स्टार्ट फ्रॉम 15th February. ये हम बताना ही भूल गए थे सॉरी ठीक है पंद्रह फेब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी और इसी में काफ़ी बच्चों का डाउट हो सकता है कि भैया हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट सिगमा में ऑलरेडी जा चुके हैं कि भाई हमने सिग्मा स्टूडेंट हैं तो क्या उधर भी यही डेल्टा फोर आ रहा होगा यस yes, ये जितने डेल्टा फोर के फीचर्स हैं वो सारे के सारे उधर के वेब डेवलपमेंट में आपको मिल रहे होंगे इनफैक्ट वहां पे आफ्टर जो आपका जैसे ही फिफ्थ मंथ आएगा आपका डीए से स्टार्ट हो जाएगा तो फर्स्ट मंथ आपका काफी लाइट रहता है डीएसए के अंदर क्योंकि बेसिक शायद मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप में से काफी को आता होगा नहीं भी आता कोई बात नहीं हम शुरुआत में कवर कराएंगे पर जो फर्स्ट मंथ होता है वो रिलेटिवली ईजी होता है एज कम्पेयर तो टू नेक्स्ट थ्री मंथ्स तो उस दौरान आप अपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के साथ पूरे टाइम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूड रख सकते हो राइट क्या चीज़ समझ में आ गई तो सिग्मा की जो जर्नी होगी वो लगभग रहने वाली है हमारी साढ़े आठ महीने की साढ़े आठ से नौ महीने की और डेल्टा की जो जर्नी है ये हमारी रहने वाली है करीबन पाँच महीने की जर्नी उसके ऊपर आपकी इच्छा है आप कितने और प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो राइट तो तब तक के लिए लव यू ऑल टेक केयर एंड सी सीआर